ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নজর রাখব বিস্তারিত খবরে। করোনা নিয়ে অমিত শাহ কেজরিওয়াল বৈঠক। দিল্লিকে 500টি রেলের কামরা দেওয়া হবে, রেল কোচে তৈরি হবে 5000 বেড। আর কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বৈঠক থেকে জানবো। এই মুহূর্তে আমরা টেলিফোনে যোগাযোগ করেছি আমাদের প্রতিনিধি নীরজ পান্ডের সঙ্গে। নীরজজি, বৈঠক মে এক্স্যাক্টলি ক্যা ক্যা ডিসিশনস হুয়া হ্যায় অর ক্যা স্টেপস লিয়া জায়েগা? मैं आपको बता दूं कि आज जो अरविंद केजरीवाल और गृहमंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई, पांच बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो सबसे बड़ी बात ये कही गई, दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 8000 बेड ऑफर किए गए हैं, दिए जा रहे हैं, जो कि 500 कोच में डेवलप किए। हाल ही रेलवे मिनिस्ट्री ने रेलवे कोचेस के अंदर 8000 बेड डेवलप किए हैं, वो दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे। इससे बेड की जो समस्याएं हैं लगभग वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला केंद्र सरकार ने लिया है वो ये कि जितने भी दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कोरोना हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन कोरोना हॉस्पिटल्स में जो कोरोना बेड हैं उसमें 60% बेड राज्य सरकार लेगी, और उसका जो रेट है, चाहे टेस्टिंग का रेट हो चाहे उपचार का रेट हो, वो एक कमेटी गठित की है जो डॉक्टर वी पॉल की अध्यक्षता में, वो तय करेगी कमेटी कि उसका रेट क्या होगा। यानी कि कोई जांच होती तो उस जांच का जो रेट है, अभी औने पौने दाम लिए जा रहे हैं, ऐसी बहुत सी सारी शिकायतें आ रही प्राइवेट हॉस्पिटल से, उस शिकायतों को ध्यान में रखते हुए रेट तय किए जाएंगे उपचार के भी, टेस्टिंग के भी और तमाम चीजों के। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया ये कि केंद्र सरकार की तरफ से अब पांच बड़े अधिकारी राज्य सरकार में काम करेंगे, राज्य सरकार के लिए काम करेंगे, और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन में मिलकर राज्य सरकार के साथ मिलकर कोरोना की जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे उनके साथ, और डे टू डे की जो अपडेट्स हैं वो गृह मंत्रालय को सौंपे। जो चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें ये रही कि केंद्र सरकार ने कहा है कि जो स्काउट एंड गाइड और जो दूसरे वॉलेंटियर्स हैं उनको भी कोरोना की रोकथाम में जोड़ी दी, ताकि जो कोरोना की रोकथाम है उसमें और भी सफलता पाई जा सके, उसमें और भी अच्छे से काम किया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो ये लिए हैं कि अगले दो दिनों में टेस्टिंग जो दो गुनी कर दी जाएगी, और छह दिन बाद टेस्टिंग 3 गुनी कर दी जाएगी। यानी कि आज अगर 100 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं कोरोना टेस्ट, तो अगले 2 दिनों बाद वो 200 हो जाएंगे और 6 दिनों बाद वो 300 कर दिए जाएंगे। यानी कि टेस्टिंग की जो रेट है, जो दर है, उसको अगले 6 दिनों में 3 गुना करने का फैसला लिया गया। तो ये जो पूरे बात जो बैठक रही, उस बैठक का जो मेन जो जिस्ट था वो यही था कि ये पांच महत्वपूर्ण फैसले। बाकी जो चीजें हैं वो आज शाम के 5 बजे दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें एलजी भी रहेंगे, अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, और तीनों एमसीडी के जो मेयर हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। चूंकि दिल्ली में बहुत बड़ा स्टेक एमसीडी का है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना केवल अस्पताल है बल्कि तमाम और व्यवस्थाएं हैं, तो उनको शामिल किया जाएगा बैठक में, और उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आ सकती है। लेकिन आज की एक बैठक में एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही कि अब दिल्ली की जो कोरोना से लड़ने की व्यवस्था है उसको देखा जाए तो सीधे तौर पर केंद्र ने टेक ओवर कर लिया है, और केंद्र सरकार अब राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन में मिलकर कोरोना की रोकथाम स्वयं करेगी। जी बहुत शुक्रिया। हमारा कथा बोलना हमारे प्रतिनिधि नीरज पांडे संगे।